काफी लोग मुझसे सोशल मीडिया पे ये बात पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ये बात पूछ रहे हैं, ट्विटर पे ये बात पूछ रहे हैं कि राहुल भोज भाई ये बताओ कि टाइगर वर्सेस पठान में कौन आगे निकला कौन पीछे, सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि दोनों भाई सुपरहिट के लिए जिस तरीके से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, यानी कि सलमान सर और शाहरुख सर, तो आप लोगों को बता दूं तो वो मचा रहे हैं बवाल सोशल मीडिया पे। तो भैया भूचाल आ गया है, भौकाल आ गया है, और ऐसे में आप लोगों को पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि दोनों के ही टीजर अनाउंसमेंट में कौन आगे गया कौन पीछे। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार, आपका यार राहुल भोज। अगर आप मुझे अभी तक सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का फॉलो करें। नया चैनल है मेरा, इतना सपोर्ट दिया है अपने पास में, अभी भी सपोर्ट करें इस चैनल को मेरे, थैंक यू। ओके, अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं तो टाइगर थ्री वर्सेस पठान, सबसे पहले मैंने दोनों का ही टीजर रिएक्शन किया, आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा मेरे चैनल में टेली खजाना में। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल बात कि आखिरकार कौन कितना व्यूज़ अर्जित करके कितने तरीके से आगे बढ़ा। देखो भाई, सबसे पहले तो बता दें ये कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये एक हेल्दी इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये दोनों की फिल्में आ रही हैं 2023 में, तो आई एम 101% श्योर सिनेमाघरों के ओनर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर पब्लिशर से लेकर सबको बेनिफिट होगा। इट्स जस्ट बिकॉज जिस तरीके का इनका स्टारडम है, फैंडम है। अब टाइगर थ्री की बात करते हैं। सबसे पहले टाइगर थ्री ने दोस्तों 2 घंटे के अंदर ही अंदर 1 million+ व्यूज अर्जित कर लिए थे। जी हाँ, ये रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैंने सोशल मीडिया पे अभी सर्च करा तो मिले। 3 hours के अंदर अंदर जो है 35 minutes के अंदर अंदर 175,000 लाइक्स इसने अर्जित कर लिए थे। वहीं ट्विटर ट्रेंड की बात करें दोस्तों तो हैशटैग टाइगर थ्री, हैशटैग सलमान खान, हैशटैग जोया, ये सब करीब 12 hashtag हुए थे। 3 hours के घंटे के अंदर ये सभी 12 जो है इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट पे ट्रेंड कर रहे थे। टाइगर भैया तो आया और छा गए। चलो भाई, अब बात करते हैं बॉलीवुड के सुल्तान की, यानी कि शाहरुख साहब की। शाहरुख साहब भी पीछे नहीं हटे हैं, आप लोगों को बता दूं दोस्तों तो फैंस ने जो मैसिव रिस्पांस दिया है, इट्स लाइक ओएमजी, इट्स लाइक अमेजिंग। जिस तरीके का मैसिव रिस्पांस आया है आपको बता दूं दोस्तों तो पठान जो है उसने 2 घंटे के अंदर अंदर 36 lakh+ व्यूज अर्जित कर लिए थे। 3 hours के अंदर अंदर 1 million पहुंच गया था। 2 lakhs इसने लाइक्स जो है दोस्तों आपको बता दूं तो विदिन 5 minutes के अंदर अंदर जो है ग्रैस्प कर लिए थे। ये बहुत बड़ी बात है। एंड वहीं आपको बता दूं तो 1 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया पे हर जगह पे पठान ट्रेंड करने लग गया था। इनफैक्ट यशराज ने भी अनाउंसमेंट की थी, देखो वी आर ट्रेंडिंग। सो दोनों ही, यानी कि शाहरुख सर सलमान सर की जो मूवीज आ रही है वो गजब की मैसिव रिस्पांस लेकर आई है, और यशराज की जो 5 की 5-10 उंगलियां वो ऐसे घी में डूबी हुई हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए और जरूर बताएं किस फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये भी बताइएगा। मैं चलता हूं, ख्याल रखें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब सिर्फ और सिर्फ मैं यही चैनल में मिलूंगा टेली खजाना में।